नागपुर शहर में हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है और हत्या थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चार दिनों में तीन लोगों की हत्या होने से अब शहर की सुरक्षा खतरे से घिर गई है। 8 मार्च को दो वृद्धों की हत्या के बाद गुरुवार को एक ऑटो चालक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। हुड़कीशहर पुलिस आगे की जांच कर रही है। आए दिन शहर में हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी हां, बात करने जा रहे पत्थर से कुचलकर ऑटो चालक की हत्या का एक ऐसा मामला। शहर में हत्याओं का दौर सा शुरू हो गया है। 8 मार्च को दो वृद्धों की हत्या की घटना के बाद गुरुवार को हुड़कीशहर में एक ऑटो चालक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम अनिल हंसराज बरवे, उम्र 33, नवनाथ नगर खरबी निवासी बताई जा रही है। 3 दिन में हत्या की यह तीसरी घटना है। ऑटो चालक अनिल बरवे की हत्या करने का संदेह एक महिला और एक 25 वर्ष के युवक पर है, जो खरबी से उसके ऑटो में सवार हुए थे। बताया ये भी जा रहा है कि वारदात से पूर्व आरोपियों ने पी थी शराब। ऑटो में सवार युवक ने खरबी में एक देसी शराब दुकान से शराब पी और नाश्ता किया था। हुड़कीशहर के वरिष्ठ थानेदार प्रताप राव भोसले ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार फुटेज में नजर आए थे ये दोनों आरोपी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर ऑटो में एक महिला और युवक बैठते नजर आ रहे। ऑटो खरबी के ऑटो स्टैंड से दिगोरी के वीरगांव की ओर जाता नजर आ रहा है। ऑटो में चावल, दाल, गेहूं व अन्य अनाज के बोरे मिले हैं। प्रथम दृष्टया में यह लग रहा है कि ऑटो में महिला के साथ जो युवक सवार था वो मजदूर हो सकता है। किराए की बात को लेकर कहा सुनी होने पर उन्होंने ऑटो चालक की हत्या कर दी। आगे की जांच हुड़कीशहर पुलिस कर रही है। हुड़कीशहर पुलिस ने कल एक ऑटो रिक्शा चालक अनिल हंसराज बरवे राणा नवनाथ नगर इस रिक्शा चालक की हत्या हुई थी। करीबन कल दोपहर के 12 बजे के टाइम पे ऑटो रिंग रोड पे ओरिएंटल कंपनी को वीरगांव सर्विस रोड पे हत्या होने के बाद तुरंत पुलिस स्टाफ वहाँ चला गया। बॉडी को ताबे में लिया, आगे की कार्रवाई की, लेकिन हत्या किसने की ये मालूम नहीं था। तो रिक्शा और जो सीसीटीवी एनालिसिस और उत्तर तांत्रिक पुराव के साथ में आरोपी यहाँ खरबी चौक से ऑटो रिक्शा लेके आउटर रिंग रोड पर चला गया था, इतनी जानकारी मिली। जो उपलब्ध फुटेज और उपलब्ध तांत्रिक पुराव इसके आधार पे आरोपी का खोज लिया तो आरोपी आउटर रिंग रोड पे एक पेट्रोल पंप का काम चल रहा है, वहाँ पे वो काम की तलाश में था, वहाँ मिल गया। आरोपी को 200 रुपये में ऑटो करके ऑटो चालक लेके गया था, लेकिन जब 200 रुपये देने की बात आई तो आरोपी के पास पैसे नहीं थे। इसकी वजह से आरोपी और ऑटो चालक इसमें वाद विवाद हो गया। उसमें आरोपी ने पत्थर से लेके रिक्शा चालक को सिर पे पत्थर मारा। हुड़कीशहर पुलिस थाने से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज नागपुर।